Myra Fashion, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. सबसे बड़े महाविद्यालय के अंदर छात्र संघ का उद्घाटन समारोह था, उसके अंदर मुख्य अतिथि सतीश पूनिया जी को आमंत्रित किया गया था। सतीश पूनिया जी के साथ में कई और भी नेता लोग महाविद्यालय पहुंचे। उनके बैठने की व्यवस्था प्राचार्य महोदय ने नीचे की थी, जैसा कि पहले ही इन लोगों की बैठ करके मीटिंग हो चुकी थी। उसके बावजूद सांसद महोदय प्राचार्य को धक्का दे करके और स्टेज के ऊपर गए, उनसे बदतमीजी करी, इसका हम सब लोग कड़ा विरोध करते हैं और उनकी घोर निंदा करते हैं। जिस तरह से उन्होंने ये व्यवहार करा, ये एक सांसद के तरीके से बिल्कुल उनके आचरण के विपरीत रहा। इसका हम लोगों को बड़ा ही रोष है। हम लोगों के अंदर आज हमने सांसद महोदय का पुतला जलाया है। अगर वो जब तक व्यक्तिगत रूप से प्राचार्य महोदय से माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक ये आंदोलन छात्रों का और हमारा जारी रहे। लोकेश शर्मा में छात्र उद्घाटन था, उस समय सतीश पूनिया जी के साथ में भागीरथ चौधरी और बीजेपी के तमाम नेता आकर के वहाँ पर, जबकि उनका निमंत्रण भी नहीं था, सतीश पूनिया जी का वह निमंत्रण था, उसके बाद आकर के वो जबरदस्ती वहाँ पर कुर्सियों पर बैठे। और बैठने के बाद में जिस तरह से भागीरथ चौधरी सांसद अजमेर के, जिन्होंने जिस तरह से प्रिंसिपल एक शिक्षा के जो मंदिर के जो गुरु होते हैं उनके साथ में जो अभद्र व्यवहार किया, अब आप बताइए एक सांसद अगर जब प्रिंसिपल के साथ में से बदतमीजी कर रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है कुर्सी पर बैठने के लिए, तो जनता का क्या भला करेगा और जनता के बीच में उनकी क्या अहमियत रह जाएगी, क्या मज रह जाएगी उनकी। और साफ देख रहे हैं कि काय का प्रिंसिपल, और हमें कहते हैं कि काय का सांसद फिर, तो ये तरीका उनका गलत था। कल जिस तरह से या तो उनको सामूहिक रूप से इन सभी नेताओं को शिक्षकों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि कल जिन्होंने जो धज्जे उड़ाई है अंदर कॉलेज के अंदर, जो बीजेपी का जो उन्होंने दिखाया कि गुंडा राज दिखाया है कि हमारा गुंडा राज है, उसको मनमानी नहीं चलेगी, इसी को लेकर आज यूथ कांग्रेस ने NSI ने आज उनका कड़ा विरोध किया है, पुतला जलाया है। और अगर उन्होंने सामूहिक रूप से लेक्चरारों से प्रिंसिपल से माफ़ी नहीं मांगी तो ये प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा बीजेपी के खिलाफ, इनके सांसदों के खिलाफ। और हम बताना चाहते हैं सांसद भागीरथ चौधरी जी को, भागीरथ चौधरी जी, आप आम जनता ने आपको चुनाव जिताया है और इन लोगों ने आपको वोट दिया है, जिन लोगों को आप आज यहाँ बदतमीजी करके कल गए हो यहाँ पर, ये जनता आपको बख्शने वाली नहीं है। या तो आप माफ़ी मांगे, नहीं तो हमारा आंदोलन उग्र रहेगा बीजेपी के विधायक भागीरथ चौधरी सांसद के खिलाफ। डॉक्टर सुनील आरा, प्रदेश महासचिव।